पर्दा की स्टैंड तो उधर है, लेकिन उधर हम लगाए तो दूसरी रिक्शा इधर से भर के जाती है, मतलब दूसरा रिक्शा वाले यहाँ से भर के जाते हैं, इसलिए आप भी यहीं पर लगा रहे हैं। हम उधर लगाएंगे ना तो इधर से दूसरी रिक्शा भर, वो बोलते हैं दूसरे आगे भरते, हम भी भर के जाएंगे। अच्छा, दूसरे लोग खड़े रहते इसलिए, तो आप लोग भी वहाँ पर खड़े हो सकते हो। बाकी हम वहाँ खड़े इसलिए नहीं होते कि अगर हम वहाँ पे सब गाड़ियाँ अगर हम लगाने लग जाए तो उस जगह का वो सर्कल जाम हो जाएगा। अभी मैं किसको बोलूँगा, बोले तू भी तो खड़े, सब अपना अपना काम करे बस, मसला है। मैं किसको बोलूँगा, बोले तू भी तो खड़े, वो उसको बोलेगा बोले तू भी तो खड़े, ये चीज़ है। अनलीगल गाड़ियाँ उसके ऊपर FIR करे, एक्शन ले, केस दर्ज करे, अगर गाड़ियाँ अनलीगल है तो उसको स्क्रैप करे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है वंजारपट्टी नाके पर, जहां पर पूरी भिवंडी जिन लोगों से परेशान है वो है रिक्शा, और रिक्शे वाले आपस में ही एक दूसरे से परेशान है। तो आज हम यहां पर इसीलिए मौजूद है कि आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड नंबर 70 है ये, और यहां से रिक्शे वाले अपनी सवारी भरकर चाविंद्रा, उससे आगे बिनार बाईपास, इस तरफ जो है तो वो लोग सफ़र करते हैं, अपना सवारियाँ बिठाते हैं और लाते हैं और लेकर जाते हैं। अभी इनकी कंप्लेंट ऐसी है कि हम तो यहाँ पर रिक्शे की लाइन में लगते हैं क्योंकि ये रिक्शा स्टैंड है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिक्शा कहीं पर भी लगाते हैं, जैसे कि आप उस इस तरफ देखिए, आप जो ब्रिज के नीचे, तो इनका कहना ऐसा है कि जो ब्रिज के नीचे जो लोग रिक्शा लगी हुई है वो लोग यहाँ पर लाइन नहीं लगाते, बल्कि इल्लीगल तरीके से, गलत तरीके से वो लोग बीच में ही सवारियों को रोककर सवारियां बिठाते हैं और यहां से निकलते हैं। तो उनसे बात करते हैं आखिर क्या वजह है और क्या कहेंगे वो इसको लेकर। अभी जैसे कि समस्या ये है कि हम रिक्शे वाले, हम यहां लाइन लगा के रखे, हम यहां से वड़पे तक के रिक्शा लेके चलते हैं, 20 रुपये भाड़े है, और लोकल में हम लोग जाते हैं चाविंद्रा, बिनार, निम्बोली, पाइपलाइन, बाईपास तक के हम लोग चलते हैं। अब कुछ रिक्शे वाले ऐसे हैं जो ला के ब्रिज के नीचे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और वहाँ अपनी रोजी के चक्कर में हमारे पेट पे लात मार के जाते हैं। हम लोग ट्रैफिक वाले को बोलते हैं तो ट्रैफिक इंचार्ज उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करते। वंजारपट्टी नाके के ऊपर 4 से 5 पुलिस वालों की ड्यूटी है, बाकी वो ब्रिज के नीचे नहीं रह गए, ब्रिज के ऊपर। अभी भी आप दिखा सकते हो कि ब्रिज के ऊपर हवलदार ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। ऊपर तो रहते हैं लेकिन ब्रिज के नीचे जो है वो नजर नहीं आते, बराबर ब्रिज के नीचे किसी को नजर नहीं आता, और यहाँ लोग खड़े रह के जो भर भर के जाते हैं। तो हमको इतनी समस्या हो रही है कि आज हम दो दो ढाई ढाई घंटा हम लाइन लगाए खड़े रहते, हमको पैसेंजर नहीं मिलते। ये बात आप उनसे बोले हैं कि नहीं भाई आप लोग भी यहाँ पर लाइन लगाओ? हम लोग जाते हैं, लोगों को बोलते भी है कि भाई आओ यहाँ लाइन लगाओ, यहाँ से भरो, बाकी नहीं भरते। क्या वजह है, क्या बात? वो बोलते दूसरे आगे भरते, हम भी भर के जाएंगे। अच्छा, मतलब दूसरे लोग खड़े रहते इसलिए, तो आप लोग भी वहाँ पर खड़े हो सकते हो? बाकी हम वहाँ खड़े इसलिए नहीं होते कि अगर हम वहाँ पे सब गाड़ियाँ अगर हम लगाने लग जाए तो उस जगह का वो सर्कल जाम हो जाएगा, वहाँ ट्रैफिक का सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो जाएगा। जब गाड़ियाँ जब जाती हो जाएगी, हर रिक्शे वाला अगर उसी जगह पे लगा के, उस पॉइंट पे लगा के अगर वो गाड़ियाँ अपनी भरते रहेगा तो ट्रैफिक का क्या हाल होएगा। तो हम उसको देखते हुए हम उस जगह पे गाड़ियाँ नहीं लगाते, जो हमारा स्टैंड दिया गया हम अपने स्टैंड पे खड़े रह के वहीं गाड़ियाँ भरते हैं, हम ब्रिज के नीचे लगा के गाड़ियाँ नहीं भरते। हमने उनसे बात करने की कोशिश नहीं कि भाई आप लोग क्यों मतलब इस तरीके से करते हो, आप भी रिक्शा चला रहे हो, वो भी रिक्शा चला रहे हैं, सब एक ही मतलब उसके लोग हैं, तो अलग अलग क्यों आप यहाँ वो वहाँ इस तरीके से? उनका बोलना ये है कि जो बाहर की गाड़ियाँ आती है, जो बाहर की दूसरे एरिए की रिक्शा आती है वो लगा के वहाँ भरती है। अच्छा। अगर वो भर सकते तो हम क्यों नहीं भर सकते? मतलब जो गलत करेगा तो हम भी गलत करेंगे, गलती करेंगे हम, सही के साथ में नहीं जाएंगे, गलत के साथ में हम गलत रहेंगे, सही के साथ में नहीं खड़े। अगर वो आपको ऐसा बोलते हैं कि लोग वहाँ से भरते इसलिए हम भी वहाँ से भरेंगे, तो आप भी तो कह सकते हैं हम यहाँ से भरते, आप भी यहाँ पर आओ। हम बोले क्या बोलते हो? बाकी नहीं मानते। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो गलत है ना, हम लोग यहाँ दो दो ढाई ढाई घंटा खड़े रहते हैं इधर, और वो 10-10, 12-12 गाड़ी वहाँ लगा के भर रहे, ट्रैफिक जाम करे, आदमी लोग को टर्न मारने जगह नहीं रहता, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, रिक्शा, बाइक वाले को, रिक्शा वाले को। थोड़ा आइए, जरा आप लोग यहीं पर रुकिए, हम थोड़ा उनसे बात करके आते हैं कि भाई क्या मामला है। आइए आ जाओ आप, जरा अब उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये कह रहे हैं कि ये रिक्शा स्टैंड है लेकिन ये रिक्शा स्टैंड नहीं है। तो अभी आइए अब इनसे बात करते हैं, कौन है रिक्शे वाला, कौन है यहाँ पर आप हो? ये रिक्शा स्टैंड है भाई? स्टैंड तो नहीं लेकिन लाइन पड़गा की बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर क्यों लगाया आपने? लोग वहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर रिक्शा नहीं लगनी चाहिए, रिक्शा स्टैंड वहाँ है, सवारी वहाँ से भरी जानी चाहिए। लाइन पड़गा की गाड़ी भर रहे हो? अच्छा, यहाँ से 3 और 4 किलोमीटर ना 14 किलोमीटर दूर की लाइन भर रहे हैं। ओके,
जो मतलब वो लोग जहाँ लेकर जाते हैं आप वहाँ लेकर नहीं जा रहे? पड़गा की स्टैंड तो उधर है लेकिन उधर हम लगाए तो दूसरी रिक्शा इधर से भर के जाती है। मतलब दूसरा रिक्शा वाले यहाँ से भर के जाते हैं इसलिए आप भी यहीं पर लगा रहे? हम उधर लगाएंगे ना तो इधर से दूसरी रिक्शा भर। कैसा है आप वहाँ लगाएंगे फिर आप भी ऑब्जेक्शन लेंगे, कोई रिक्शा वाला अगर यहाँ पर नहीं रुकेगा तो पब्लिक वहीं जाएगी ना जहाँ आप लगाएंगे। पड़गे का स्टैंड उधर है आगे जीप लगती थी उधर है। पड़गे का स्टैंड वो ब्रिज के नीचे अंदर उधर है, उधर है, इधर लगाने की जरूरत नहीं है। इसको पड़गा भरने का वो उधर जाके भरो ना। बराबर। तो आप यहाँ से क्यों भर रहे हो जबकि ये रिक्शा स्टैंड नहीं है? आपको देखकर और भी चार रिक्शा खड़ी होगी, धीरे 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 रिक्शा वहाँ तक लगती है जिसकी वजह ट्रैफिक होती है। आप भी कहीं सुबह में भी वही हालत होती है, सुबह में भी ऐसे ही रहता है, सुबह में भी वही रहता है। आपको चाहिए ना कि आप कानून फॉलो कीजिए, आपको देखकर मैं दूसरे फॉलो करेंगे? कानून तो फॉलो ही कर रहे हैं लेकिन हम उधर लगाएंगे तो दूसरे रिक्शा वाले इधर लगा के भरते हैं। कमाल की बात यह है कि अब बोलेंगे किसको? हर बंदा अगर यही बोलेगा कि हम यहाँ पर लगाएंगे तो दूसरा बंदा यहाँ से भर के निकलता है हमको सवारी नहीं मिलती, फिर उनको बोलेंगे तो वो दूसरे के ऊपर डालेंगे कि भाई दूसरा बंदा भर के निकलता हमको सवारी नहीं मिलती। मतलब अगर ये देखा जाए कि कोई भी बंदा सिस्टम को लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है, सबका कहना ये है कि भाई दूसरा रिक्शा भर के जाता है तो हम क्यों नहीं भरेंगे, जबकि ये गलत है। दिखाइए आप यहाँ पर ये एक एक रिक्शा जो है स्टैंड बन गए क्या? उधर जाके भरो ना तुम, जो स्टैंड है काली बिल्ली का। बराबर है भाई, वहाँ पर जाकर आप भर सकते हो ना भाई। वो देखने का है तो सुबह में आके है ना न्यूज लेके, मतलब सुबह में आके देखो पूरा स्टैंड पूरा भरा रहता है। इधर यही लाइन छोड़ो अमरनाथ की लाइन, ये पूरा भरा रहता है। सब जगह वही हाल है। हमारा बोलने का मतलब है जो बस स्टैंड उधर है काली बिल्ली का स्टैंड उधर लगना मांगता है, उधर लगना मांगता है, इधर पूरा पालका। अभी ये जो सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी आरटीओ और जो पुलिस वाले हैं और जो दीगर जो पुलिस वाले भिवंडी शहर के अंदर है जिनकी ये जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पर होते नहीं है यहाँ पर चीज़ों को हटाने के लिए मैनेज करने के लिए, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ और फिर पूरा ट्रैफिक यहाँ पर जाम होता है रिक्शे की वजह से और सबको प्रॉब्लम होती है। मगर सोल्यूशन देने वाले जो लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतना बड़ा नाका है, यहाँ पर एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला मौजूद नहीं है ये बोलने के लिए कि भाई आप ये रिक्शा स्टैंड नहीं है, आप यहाँ पर रिक्शा मत लगाओ, जहाँ पर स्टैंड है आप वहाँ पर लगाओ, ये बोलने के लिए एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। 70 रिक्शा हमारा इधर लगेगा बंजार पट्टी नाका जाम हो जाएगा, यही वजह है हमारा रिक्शा वहाँ लगने की वजह से खुला है तो नाजायज बाहरी रिक्शा आके हमारे धंधे को पूरा खराबी कर रहे हैं। परगा का नाम लेते हैं, भरते चाबिंद्रा बिनार साई धारा के से। आप कोई पूछने थोड़ी जा रहे कि आप कहाँ कहाँ का भर रहे हो? बराबर जो स्टैंड है काली बिल्ली का उधर जाके रिक्शा लगना मांगते हैं। बाकी बोलेंगे भाई बहुत तकलीफ है यहाँ पे, एकदम हटाते ना रिक्शा, दादागिरी करते है। दादागिरी क्या बोलते हैं वो लोग? हटाते हैं, बोले क्या है, बोले ये ऐसा वैसा नाटक करे, हटाना पड़ता उनको ये कर। ये तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे रिक्शा यहाँ पर बढ़ती जा रही है, किस वजह से बढ़ रही है कुछ अंदाजा है? पड़गे लाइन बहुत है यहाँ पे, पड़गे की लाइन बहुत है। अच्छा यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आप नजर आता है आपको कंट्रोल करते हुए कि नहीं? कम, बहुत कम रहता है। ठीक है, हम चलते चलते ये देखिए रिक्शा स्टैंड नंबर ये 3 है जो कि बंजारपट्टी नाका से चाबिंद्रा, पोगांव, गोरसाई, सावंदे, सावद नाका, खांडपे, ये इधर जाता है धामनगांव। और उसके बाद जो रिक्शा स्टैंड है वो ये है जो आप काली पीली है मेरे पीछे देख रहे हैं। तो यहाँ पर तो रिक्शे की तादाद और काली पीली की तादाद है ही नहीं। आइए आप थोड़ा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ये वहाँ से दिखाइए, वो रिक्शा स्टैंड नंबर 3A और रिक्शा स्टैंड नंबर 3A बराबर पड़गा से बंजारपट्टी नाका। वो जो भाई ने भी बोला कि हम पड़गा की रिक्शा भरते, तो पड़गा की रिक्शा भरने के लिए यहाँ पर जगह दी हुई है। दिखाओ इधर, पड़गा की रिक्शा भरने के लिए इस जगह को दिया हुआ है कि आप रिक्शा यहाँ पर लगाइए और यहाँ से सवारी भरिए और यहाँ पे उतारिए। मगर नहीं, लोग क्या कर रहे हैं कि लोग रिक्शे को जो भर रहे हैं वो लोग, वो अपनी जगह से हटकर, जी वो अपनी जगह से हटकर पब्लिक की जगह पर आकर ऐसी जगह पर रिक्शा लगाते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, वहाँ पर वो लोग रिक्शा लगाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी जैसे कि अभी आपने सब मुआयना करके देखा कि किस तरह से क्या पोजीशन है यहाँ पे, अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो क्या भिवंडी के अंदर ट्रैफिक हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर वो बाकी जैसे कि अभी नाके पे उनकी ड्यूटी है, नाके पे ड्यूटी नहीं देते वो ब्रिज के ऊपर ड्यूटी देते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो एक्चुअल ट्रैफिक जो शाम के टाइम या मॉर्निंग में होती है वो ब्रिज के नीचे होती है, तो ब्रिज के नीचे उनको कम से कम जो 4 हवलदार जो ड्यूटी पे है पुलिसकर्मी जो है
ट्रैफिक के, अगर वो ब्रिज के ऊपर ना रहते हुए अगर ब्रिज के नीचे अगर एक भी खड़ा रहे तो भिवंडी जो, हाँ ये जो कहीं भी रिक्शा खड़ी होती है वहाँ नहीं होगी। हाँ कहीं भी किसी भी सर्कल के ऊपर ट्रैफिक जाम नहीं होगा अगर पुलिसकर्मी अपनी सही ढंग से ड्यूटी दे तो भिवंडी में कहीं भी ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न नहीं होती। बाकी शासन प्रशासन इस तरह से ढीला पड़ा हुआ रहता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप लोग इसके ऊपर कोई लेटर वगैरह नहीं दिया आपने पुलिस को, आरटीओ को या नगर पालिका को या कमिश्नर साहब को, किसी को भी बताया आपने? पुलिस को हमने लेटर भी दिया था बाकायदा उनको कि वो बोले हम करेंगे, खाली आश्वासन देते, कार्रवाई कभी नहीं होती। अगर वो यहाँ पे एक पुलिसकर्मी भी अगर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अगर वो आके यहाँ खड़ा होता है तो मेरा ये मानना है कि अगर वो आके यहाँ अगर सही ढंग से अगर अपनी ड्यूटी दे तो हर नाके पे कहीं भी कभी भिवंडी में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होगी नहीं। जबकि लोग ऐसे उल्टा बोलते हैं कि जिस दिन ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता उस दिन ट्रैफिक आसानी से निकल जाती है, जब वो खड़ा होता है तो और होती है, लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं नहीं ये फैक्ट नहीं है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो ड्यूटी पे है और ऑन द ड्यूटी अगर वो खड़े है अगर वो चाहे तो ट्रैफिक का हल निकाल सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर रिक्शा स्टैंड पर आप लाइन लगाकर लीगल तरीके से ले रहे हैं और कुछ लोग इलीगल तरीके से ले रहे हैं, तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे शासन प्रशासन से आप? मैं शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा जागरूकता अगर हम दिखा रहे हैं, हम रिक्शे वाले अगर जागरूकता दिखा रहे हैं तो थोड़ा जागरूकता शासन प्रशासन भी दिखाए, कम से कम कुछ नहीं तो जो 3-4 जो ऊपर ब्रिज के ऊपर खड़े रह के ड्यूटी देते उसमें से एक पुलिसकर्मी नीचे सर्कल पे खड़े रहे, ट्रैफिक अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अब मैं पब्लिक का एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जो रिक्शे वालों को लेकर पब्लिक के मन में जो है कि रिक्शे वाले कहीं पर भी ऐसे बोलते हैं कि कहीं पर भी वो अपने रिक्शा लगा लेते हैं, लाइन अगर होती है तो लाइन सीधी नहीं लगती बल्कि एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, इस तरीके से लोग रिक्शा लगाते हैं, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखो हर रिक्शे वाला एक जैसा नहीं होता। अभी जैसे कि मुझको लगा कि मुझको तकलीफ है, मैं उसको फेस करने के लिए मैंने आपसे संपर्क किया, आपको बुलाया, मुझको प्रॉब्लम हुई इसके लिए। तो हर रिक्शे वाला एक जैसा नहीं होता, अगर कुछ जैसे 1000 में से अगर 100 ऐसे है तो उस 100 के कैटेगरी में बाकी 1000 को भी मत गिनो। अगर जो ऐसा करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करो, उनके ऊपर एक्शन लो। अगर कहीं अनलीगल तरीके से गाड़ियां लगी हुई दिखती है तो ये प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है। आप प्रशासन को सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में? प्रशासन को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे खड़े, हम लाइन लगा के हम अपना ईमानदारी से कमा रहे हैं ना, अगर हमको रहता तो हम भी कहीं भी रिक्शा लगा के कहीं भी खड़े रह के कहीं भी कमा सकते हैं। बाकी नहीं, जो हमारा स्टैंड है, हमको जो स्टैंड दिया गया हम अपने स्टैंड पे खड़े रह के ईमानदारी से अपना धंधा कर रहे हैं। इस स्टैंड पे कितनी रिक्शा लगाने की परमिशन है? अभी इधर स्टैंड के ऊपर 70 रिक्शा का परमिशन है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो 70 नहीं, मैं तो समझता हूँ 200-300 रिक्शा होगी, तो फिर कैसे लगेगी यहाँ पर? अब ये प्रशासन का काम है, देखे और चेक करें। जो लीगल है, जो लीगल प्रोसेस में या लीगल गाड़ियां है उसके वो उसके पेपर वगैरह चेक करें। जो अनलीगल चलती है ये प्रशासन का काम होता है कि जो अनलीगल गाड़ियां उसके ऊपर FIR करे, एक्शन ले, केस दर्ज करे। अगर गाड़ियां अनलीगल है तो उसको स्क्रैप करे, ये ना कि उसको छोड़ दे। प्रशासन की ढिलाई की वजह से आज भिवंडी की हालत इतने ख़राब हो गए हैं कि कोई भी कहीं भी अपनी मनमर्जी का करता है, किसी को ये पढ़ा ही नहीं है कि हमको भिवंडी शहर में हम रहते हैं तो हमको किस तरह रहना है। कहीं देखो आप कचरे का अंबार लगा रहता है, अभी ये देख लो आपके सामने ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है शेरे रजा चौक, इस यहाँ पे पहले रिक्शा लगा करती थी, रिक्शे की लाइन यहाँ लगा करती थी। तो इसको डेवलप करने के लिए, भिवंडी के वंजारपट्टी नाके को डेवलप करने के लिए यहाँ पे गार्डन बनाया गया था, ये गार्डन बनाया गया, ये महानगर पालिका की तरफ से गार्डन बनाया। आज गार्डन की कंडीशन देख लो, अंदर कचरे के अंबार पड़े हैं, कचरे का अंबार है। दूसरी साइड में आप जाओगे तो वहाँ गंजेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, तीसरी जगह भी जाओगे तो वहाँ होटल वाले लोग को पार्किंग को दे दिया गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या किसको भी नगर पालिका दे देती है? प्रशासन का देखने का काम नहीं। खाली ST पे आप चले जाओ या जकात नाके पे चले जाओ, अगर कोई गुटखा खा के थूकता है तो उसकी चालान काट देते हैं। बराबर। तो खाली चालान काटने के लिए नगर पालिका मौजूद है लेकिन कार्रवाई करने के लिए नहीं है। नहीं, मैं वही मेरा पूछना है कि खाली क्या वो जकात नाके से ST तक के ही प्रशासन की हद है, उससे आगे भिवंडी उसके अंडर में आता है। तो पूरा भिवंडी जब उसके अंडर में आता है, जब आप वहाँ पे कार्रवाई करते हो तो आप दूसरी जगह पे जाके कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? ये मेरा प्रशासन से सवाल है और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो अनलीगल तरीके से कहीं भी अगर पार्क करता है या गाड़ियाँ लगाता है, एग्जैक्ट चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ, तो अगर मैं वो काम करता हूँ तो मुझ पर भी कार्रवाई हो।
भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये खुद भी सपोर्ट करना चाहते हैं शासन प्रशासन को, लेकिन जो रिक्शे वाले होते हैं वो बात सुनने के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं होते। अभी भी देखिए हम वहाँ पर जाकर आए, लेकिन अभी भी आप देखिए वहाँ पर अभी भी 3-4 रिक्शा जो है तो वहाँ पर लगी हुई है, और वो लोग कह रहे हैं कि भाई दूसरे लोग यहाँ से भर के जाते हैं, इसलिए हम भी यहीं से भरते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर खड़े रहेंगे तो हमको सीट नहीं मिलती है और हम खड़े के खड़े रह जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे कि अभी कई अधिकारी आते हैं, पुलिसकर्मी आते हैं, ट्रैफिक वगैरह इंचार्ज वगैरह आते हैं, तो वो हमको बोलते हैं कि आप लोग गाड़ियां जो इस तरह से बाहर लगाते हो जिसके वजह से ट्रैफिक होती है, तो खाली हमारी गलती की वजह से ट्रैफिक नहीं होती। अगर देखें तो सही तरह का तरीके से देखें तो अगर बाइकें जो है वो अगर एक तरफ अंदर लगाया जाए, अभी आपकी दुकान है, आप दुकान के पास लगा, अभी यहाँ गाड़ी लगी, इसके बाजू में जब गाड़ियाँ लगी तो खुद ब खुद रोड पर आ जाती है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमको एक किनारे, हमको एक प्रॉपर जगह दे दे ताकि हम वहाँ पे अपनी जगह फिक्स रहे। प्रॉपर जगह दी हुई आपको अंदर या कहीं पर भी? खाली आश्वासन दिया गया, खाली आश्वासन दिया गया है। अच्छा, प्रॉपर जगह नहीं दी गई, सिर्फ आश्वासन देते आते हैं, देखते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। क्यों लगाया हो जबकि आपको रिक्शा स्टैंड वहाँ पर दिया हुआ है? क्या है, देखो मैं पड़गा भरता हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है पड़गा जाने के लिए। काली पिली जीप बंद है, काली पिली का स्टैंड वहाँ पे है, तो अभी हम लोग अगर वहाँ पे गाड़ी लगाते तो सब यहाँ से भर के चले जाते, हम लोग वहाँ खड़े के खड़े रहते। सब लोग वहीं लगाएंगे तो नहीं मानते, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ना थोड़ा इधर हो जाओ, हम लोग ना स्टार्टिंग में भाई वहीं पे गाड़ी भर रहे थे। अच्छा, मतलब हफ्ता 10 दिन तक ऐसा चला, हम लोग वहाँ खड़े के खड़े दो दो घंटा बैठे है, यहाँ से लोग आ रहे भर के जा रहे, लोग आ रहे भर के जा रहे, अभी कितना बर्दाश्त करेंगे भाई। बराबर, तो इनका कहना भी कहीं ना कहीं अगर ये धंधा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और सवारी भरने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो अगर इनकी बात सुनी जाए कि हम वहाँ पर रहते हैं, लोग यहाँ से भरकर जाते हैं, तो जब सारे लोग अगर वहाँ जाएंगे तो शायद ये मामला नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ लोग यहाँ से भर के जाते हैं। भरते अभी हम लोग वहाँ रहेंगे, इधर 4-5 सीट आई तो ये लोग भी भर के जाते हैं, फिर लाइन में लगे वो लोग पड़गा नहीं भरते, वो लोग बोल रहे हैं आप बोलने से कुछ नहीं होता, नेचुरल जो है वो देखने से होता है, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने का मैं बहुत कुछ बोलूंगा वो चीज़ रहता नहीं है। 5 सीट आएगा ना भाई तो बोलेंगे बढ़ो ऐसा, तो हम लोग वहाँ खड़े के खड़े रह के कुछ फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग मजबूरी में यहाँ लगा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रैफिक होता है मालूम है, 4 लोग बोल के जाते हैं, मैं इधर लगाया हूँ, मेरे बाजू में दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा, पूरा वहाँ तक गाड़ी लगता है, वहाँ तक लगता है, मैं एग्री कर रहा हूँ ना भाई, वहाँ तक गाड़ी लगता है, लेकिन कैसा है अपन किसको किसको बोलेंगे, अभी मैं किसको बोलूंगा, बोले तू भी तो खड़ा है, सब अपना अपना काम करे, बस मसला है, मैं किसको बोलूंगा, बोले तू भी तो खड़ा है, वो उसको बोलेगा, बोले तू भी तो खड़ा है, ये चीज है, कहीं नहीं है भाई। तो अभी शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ के जिम्मेदार है, जिनका भी ये काम है कि वो आकर चेक करे कि कौन से रिक्शा स्टैंड वाले कहाँ पर गलत पार्किंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी उनको रिक्शा स्टैंड दिया गया तो वो वहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन इनका पड़गा का स्टैंड वहाँ पर दिया गया मगर ये लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम है, हाँ उनकी प्रॉब्लम ये है कि भाई लोग यहाँ से भर कर जाते हैं तो हम लोग वहाँ खड़े के खड़े रह जाते हैं, तो जो भी इसके जिम्मेदार है उनको चाहिए कि वो यहाँ पर आकर चेक करें और किसी को भी यहाँ पर खड़े ना होने दें, ताकि सवारी यहाँ आने के बजाय सीधा वहाँ जाए और इनको भी सीट मिले। आप लोगों को क्या लगता है कि भिवंडी शहर के रिक्शे वाले जो बोल रहे हैं कि कहीं भी पार्किंग करना, कहीं भी लगा देना, जहाँ रिक्शा स्टैंड होता है वहाँ ना लगाते हुए कहीं और से सीट भरना, क्या लगता है ये लोग जो बोल रहे हैं वो वाकई में सही है? और अगर भिवंडी में ऐसा कहीं पर भी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। ये हाथ गाड़ी है, बीचों बीच में खड़े रहती है, बहुत तकलीफ वाला है, एक्सीडेंट का डर रहता है और बहुत ट्रैफिक जाम हो जाती है उसकी वजह से। बराबर, एक चीज़ चाचा ने जो अच्छी बताई वो ये भी कि जो हाथ गाड़ी वाले लोग हैं, मूँगफली बेचने वाले, सेब केला फल फ्रूट बेचने वाले, ये लोग भी कहीं ना कहीं ब्रिज के नीचे ही अपनी गाड़ी खड़ी करके जो है तो अपना धंधा करते हैं, इनको ऐसा नहीं चाहिए। ऐसी जगह पर आप गाड़ी लगाओ, ऐसी जगह पर आप रिक्शा लगाओ जहां से ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि गाड़ी और दो भरी, हाँ वो तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू यहां से गाड़ियां जो है तो लोग भरकर जा रहे हैं, लेकिन वो भी कंप्लेंट यही कर रहे हैं कि भाई हम क्या करें जब लोग वहां तक पहुँच ही नहीं पाते, उनकी सीट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, लोग यहीं से भर कर जा रहे हैं, इसलिए हम भी भर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जब पड़गे वाली लाइन से आपने पूछा, मेरे भाई ने जैसा बोला कि हमारे को लाइन पर्पुलर वो दी गई है, हाँ। वहाँ पे रिक्शे वाले को कोई लाइन दी नहीं गई है, वहाँ पे खाली जीप वालों को लाइन दी गई है। जीप वालों को मतलब जो काली पीली वाली जीप वाले लगाते हैं उनको वहाँ पे स्टैंड दिया गया, वहाँ काली पीली नहीं लिखा, वहाँ लिखा है रिक्शा स्टैंड, लेकिन वहाँ काली पीली वाले ही लगाते हैं, रिक्शा वाले कभी पड़गा जाते नहीं थे, अभी काली पीली बंद होने की वजह से रिक्शा वाले पड़गा जाना चालू किए, लेकिन जा तो रहे ना, जा रहे बात सही है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा कीमत लेना, पब्लिक को परेशान करना, ये ज़्यादा हो रहा है। अभी जैसे पड़गा का 30 रुपया होता है, वहाँ 40 रुपया कर दिया गया, कभी 50 ले लिया जाता है, जैसा माहौल देख के वैसा ले लिया जाता है। आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर रिक्शा भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? नहीं, ये गलत है,
जो ब्रिज के गलत है तो गलत है फिर। मैं ब्रिज के नीचे रिक्शा जो लग रही है वो गलत है, लाइन जो चल रही है वो सही है। बराबर, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर लिखा हुआ है रिक्शा स्टैंड, काली पीली स्टैंड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, रिक्शा स्टैंड लिखा हुआ है। तो रिक्शे वालों को जाना चाहिए वहाँ पर पार्किंग के लिए।